हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप अरोड़ा। ये हमारा सेकंड लेक्चर है कंजम्पशन सीरीज का, और इसमें हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो जेम्स ड्यूजनबरी ने दिया था 1952 में। ये पब्लिश किया गया था उनकी बुक में, जिसका नाम था इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दो तरह के इफेक्ट्स पे काम करती है, पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और दूसरा रेचेट इफेक्ट। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। मान लो कि आप एक सोसाइटी में रहते हो और आपके पास टू व्हीलर है और आपके नेबर ने फोर व्हीलर खरीदा है, तो अब क्या होगा, आपको उससे थोड़ी सी जेलिसी फील होगी कि यार उसके पास अगर फोर व्हीलर है तो मेरे पास भी फोर व्हीलर होना चाहिए। तो ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना कि सामने वाले के कंजम्पशन की वजह से आपका कंजम्पशन इफेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और रेचेट इफेक्ट क्या होता है, मान लो कि आप किसी सोसाइटी में रहते हो और कुछ रीजंस की वजह से आपकी इनकम कम हो जाती है, आपकी सैलरी कम हो जाती है, आपके पास जो इनकम के रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आप है ना अपना कंजम्पशन लेवल उतना डिक्रीज नहीं करोगे जितना प्रपोर्शन में इनकम डिक्रीज हुआ है। तो आपको सोसाइटी में अपने नेबर्स के सामने अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखना है, इसको हम कहते हैं रेचेट इफेक्ट। अब देखो, इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर हमारा कंजम्पशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारा टाइम, टी जो यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा ये है ओरिजिन, और ये जो ब्लैक वाला कर्व है ना, ये है हमारा केन्स का कंजम्पशन कर्व। और ये कर्व ये एक्सप्लेन करता है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, इनकम में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन में भी फ्लक्चुएशन आएगी। और दूसरी तरफ ये जो हरे वाला कर्व है ना, ये है ड्यूजनबरी का कंजम्पशन कर्व। अब ये वाला ड्यूजनबरी का कंजम्पशन कर्व हमें ये दिखाता है कि अगर वक्त बीतने के साथ साथ इनकम में फ्लक्चुएशन आती है, मान लो कि इनकम अगर डिक्रीज होती भी है तो कंजम्पशन लेवल डिक्रीज नहीं होता। अब ये जो डिफरेंस है ना ये वाला, ये दो तरीके के इफेक्ट्स की वजह से होता है, पहला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और दूसरा है रेचेट इफेक्ट। रेचेट इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केन्स कंजम्पशन फंक्शन, देखो केन्स के कंजम्पशन फंक्शन में हम पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर केन्स के कंजम्पशन फंक्शन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी इनकम है। केनेसियन इक्विलिब्रियम के केस में, और ये हमारा कंजम्पशन है केनेसियन इक्विलिब्रियम के केस में। तो आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम से कि जो एपीसी होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी और वाई, वो होगा ये वाला प्रोपोर्शन ओ सी वन और ओ वाई वन। अब देखो, ड्यूजनबरी का कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है। यहां पर देखो, जो सी के है ये हमारा शो करता है केन्स के कंजम्पशन फंक्शन को, ये वाली लाइन केन्स के कंजम्पशन फंक्शन को शो करती है, और ये वाली जो लाइन है ग्रीन वाली, ये है ड्यूजनबरी का कंजम्पशन फंक्शन। अब ड्यूजनबरी का कंजम्पशन फंक्शन जो है केन्स के कंजम्पशन फंक्शन से, या फिर कहे ड्यूजनबरी का कंजम्पशन कर्व केन्स के कंजम्पशन कर्व से ऊपर होता है। वो ऊपर क्यों होता है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ इस डायग्राम से। मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कंज्यूमर की इनकम है वो है Y2, और उसकी इनकम डिक्रीज हो जाती है टिल Y1। अब देखो, केन्स कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो कंजम्पशन लेवल कितना होगा OC1, बट अगर हम ड्यूजनबरी के कंजम्पशन कर्व के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो कंजम्पशन लेवल होगा लेट के पॉइंट C3 है, सो इट विल बी OC3। तो यहां पर आप देखो कि अगर इनकम जो है Y2 से डिक्रीज होकर के Y1 तक जा रही है, तो केन्स के कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली मान लो कि Y2 लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन लेवल था वो था C4। सो अगर
चेंज इन कंजम्पशन कर्व के अकॉर्डिंगली इनकम डिक्रीज हो रही है वाई टू से वाई वन तक, तो कंजम्पशन लेवल डिक्रीज होगा सी फोर से सी वन तक. बट इन द केस ऑफ ड्यूजनबरी कंजम्पशन फंक्शन और ड्यूजनबरी कंजम्पशन कर्व, अगर इनकम वाई टू है और कंजम्पशन लेवल ओ सी टू है और अगर इनकम जो है वाई टू से डिक्रीज होती है वाई वन तक, तो कंजम्पशन लेवल जो डिक्रीज होगा वो सी थ्री तक होगा ओनली, वो सी वन तक नहीं जाएगा. अब देखो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है सी थ्री और सी वन के बीच में, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रैचेट इफेक्ट की वजह से. रैचेट इफेक्ट की वजह से कैसे? अगर इनकम वाई टू से वाई वन तक डिक्रीज हो रही है तो केन्स के कंजम्पशन कर्व की अकॉर्डिंग कंजम्पशन डिक्रीज होगा सी टू से लेकर के सी वन तक. बट इन द केस ऑफ ड्यूजनबरी का ये सिर्फ C3 तक डिक्रीज होगा. ये जो गैप है C3 और C1 के बीच में होता है रेचेट इफेक्ट की वजह से. यहाँ पर रेचेट इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इनकम तो डिक्रीज हो गई Y2 से Y1 तक बट कंजम्पशन लेवल उतना डिक्रीज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो और कुछ रीजंस की वजह से आपकी इनकम कम हो जाती है या आपकी सैलरी कम हो जाती है, अगर आपके पास जो इनकम के रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, तो आप अपने कंजम्पशन को उतना कम नहीं करोगे जितना आपकी इनकम कम हुई है. बिकॉज यू वॉन्ट टू मेंटेन योर स्टेटस इन द सोसाइटी. वो एक शॉप होती है, स्टेटस मेंटेन करने की मेंटेलिटी होती है, उसी को हम रेचेट इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं. सो ये जो डिफरेंस है ना कंजम्पशन का सी थ्री और सी वन के बीच का, ये वाला, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेचेट इफेक्ट. आप लोग यहां देख सकते हो कि ड्यूजनबरी कर्व के केस में जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है एपीसी, वो होगा ओसी ओवर ओ वाई टू. ये वाला जैसे हमने मेंशन किया एस एपीसी इज सी ओवर वाई. अगर हम ड्यूजनबरी के कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी की बात करें, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द केस ऑफ ड्यूजनबरी, तो ये हमारा क्या होता है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. अब ड्यूजनबरी के केस में देखो यहां पर डेल्टा सी क्या है, ओ सी टू माइनस ओ सी थ्री ओवर, क्योंकि इतना ही चेंज हुआ ना यहाँ पे कंजम्पशन, माइनस ओ वाई टू माइनस ओ वाई वन. अब आप यहां पर ध्यान से देखो इस डायग्राम, ये जो चेंजेस ये वाला ये बहुत छोटा है इस चेंज के कंपेयर में. सो हमारा जो एमपीसी होगा ना डेल्टा सी और डेल्टा वाई, ये बहुत छोटा हो जाएगा कंपेयर टू एपीसी. सो आप लोग देख सकते हो यहां पर एपीसी जो है ग्रेटर होगा एमपीसी, मतलब कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से ज्यादा होगी इन द केस ऑफ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. यही हमारा क्वोशेंट पजल या फिर आप कह सकते हो कंजम्पशन पजल का शॉर्टर इक्विलिब्रियम होता है एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी. अब हम लॉन्ग रन की बात. अब देखो लॉन्ग रन में ड्यूजनबरी का जो कंजम्पशन फंक्शन है या फिर कंजम्पशन कर्व है या फिर रिलेटिव इनकम है, तो वो कैसे काम करता है? तो लॉन्ग रन में जो हमारा ड्यूजनबरी का कंजम्पशन कर्व होता है ना सी डी वन, ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है सी डी टू तक. सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मान लो कि अगर इनकम जो है वाई वन थी और वो वाई टू तक इंक्रीज हो जाती है, कंजम्पशन लेवल जो है सी वन से सी टू तक इंक्रीज होगा. अब एक चीज देखो यहाँ पर बहुत जरूरी है जानने के लिए कि अगर हम एपीसी निकाले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इवन, ये हमारा होगा ओ सी टू ओवर ओ वाई वन. ओके, और अगर हम एमपीसी निकाले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा होगा ओ सी टू माइनस ओ सी वन ओ वाई टू माइनस ओ वाई वन. देखो ये जो हमारा चेंज है ना ओ सी टू माइनस ओ सी वन और ओ वाई टू माइनस ओ वाई वन, ये चेंज इन दोनों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बीच में हमने निकाला है और इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बीच से हमने निकाला है एपीसी ओ सी टू और ओ वाई वन. तो हमारा जो एमपीसी होगा ना, मतलब कि ओ सी टू माइनस ओ सी वन ओवर ओ वाई टू माइनस ओ वाई वन, ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम होंगे क्योंकि एपीसी और एमपीसी की वैल्यू हम जो है सेम कर्व से निकाल रहे हैं, ये ई नॉट और ई वन के बीच के डिफरेंस है. ओके, या फिर कह सकते हो कि ये जो ओ ई वन लाइन है इससे निकाला हमने एपीसी और एमपीसी दोनों.
तो दोनों का जो स्लोप होगा वो सेम होगा, सो वी कैन से दैट इन द लॉन्ग रन एपीसी विल बी इक्वल्स टू एमपीसी. ये हमारा हो जाता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. कंक्लूजन, शॉर्ट रन के अंदर एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी, लॉन्ग रन के अंदर एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी. देखो डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है. शॉर्ट रन में क्यों काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके नेबर ने अगर फोर व्हीलर खरीदी है तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, यू आर फीलिंग जेलस कि यार उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए. वो सिर्फ शॉर्ट रन में काम करेगा यार, वो लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा. लॉन्ग रन में उसके पास ना जाने कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी फोर व्हीलर्स वो खरीद लेगा, कितनी आप खरीद लोगे. तो डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करता. रेचेट इफेक्ट जो है ना वो दोनों में काम करता है. लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन. और अगेन हमने कंजम्पशन पजल या फिर कहो पूछने पजल को सॉल्व किया है. सो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के ऊपर. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए. थैंक यू.